आज उमरा में स्टेडियम हो, उमरा में अस्पताल हो, उमरा में ये रास्ते हो, ये सब जो हुए हैं वो शिवसेना की देन है। नमस्कार दोस्तों, महिला लोगों से पब्लिक चैनल से। दोस्तों कल शाम में एक जो अपने शिवसेना के एक रैली थी संजय नगर के अंदर, और उस रैली के अंदर जो यहाँ के जो कैंडिडेट है अभी कल्याण लोकसभा के श्रीकांत शिंदे और उनके पिताजी जो है एकनाथ शिंदे साहब, तो ये लोग कल सब यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने एक भाषण किया और लोगों को वोट डालने की अपील की। श्रीकांत शिंदे ने भी आवाम से कह के, पब्लिक से कह के, अपने दिलों के अंदर मतलब उनके दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। उसके बाद में उनके पिताजी ने भी, एकनाथ शिंदे साहब भी, एक कोशिश की पब्लिक से, और काफ़ी ज़्यादा उत्साह पब्लिक के अंदर थी कि मतलब अब ऐसा एक दिन लगा कि हाँ चुनाव का कुछ माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी तक दूसरी किसी पार्टियों का तो इस तरीके से ना रैली हुई, ना कोई सभा हुई, ना कोई प्रोग्राम हुआ। ये पहली बार शिवसेना का प्रोग्राम मुंद्रा के अंदर इतना बड़ा हुआ है, और मुंद्रा से काफ़ी लोग मतलब इस तरीके वोट डालने की कोशिश शिवसेना को कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव चाहिए मुंद्रा कौसा के अंदर, क्योंकि मुंद्रा कौसा के अंदर कोई डेवलप आज तक नहीं हुआ है। कोई जो भी पहले जो सेंक्शन सा हर चीज़ था, रोड का हो मसला चाहे बाईपास का हो मसला, वही चीज़ें मुंद्रा कौसा में हुई है। उसके बाद सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुंद्रा कौसा में हुआ है तो अवैध बांध काम हुआ है, जिसको लेके मुंद्रा कौसा एकदम से पूरा शहर खराब हो गया अवैध काम बांध की वजह से, क्योंकि उसका कोई डिमांड नहीं रह गया है, ना उसका कोई वैल्यू है। क्योंकि अवैध बांध काम जो होता है, ना बैंक उसके ऊपर कोई लोन देती है, ना बैंक कोई सहूलियत देती है, बिल्डर जो है कैसे भी करके बना बना के अपना पैसा निकल के वहाँ से हट जाते हैं। उसके बाद में वो लाइट उसमें हो या ना हो, पानी हो या ना हो, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये एक विकास हुआ है मुंद्रा कौसा के अंदर अवैध बांध काम का। तो अब जो है आगे से शिंदे साहब ने कहा कि यहाँ पर अवैध बांध काम जो भी है वो नहीं होने देंगे। जिस तरीके से थाना में एक डेवलप हुआ है, खारे गांव में जो डेवलप हो रहा है एरिया, वैसे ही हम मुंद्रा को भी बनाना चाहते हैं, मुंद्रा में मेट्रो भी लाना चाहते हैं, मुंद्रा के अंदर हम वैसे ही मुंद्रा शहर बनाएंगे जैसा थाना है। आइए सुनिए कुछ श्रीकांत शिंदे साहब ने भी पब्लिक से किया है, उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब भी आइए, आइए उनको सुनिए। आज इस मुंद्रा में भी जो विकास काम हुए हैं, आज मुंद्रा में स्टेडियम हो, मुंद्रा में अस्पताल हो, मुंद्रा में ये रास्ते हो, ये सब जो हुए हैं वो शिवसेना की देन है। आज शिवसेना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में शिवसेना की सत्ता है, और वो सत्ता के माध्यम से आज मुंद्रा में कई सारे काम जो है इस मुंद्रा में हमने किए। आज मुंद्रा में शिवसेना ने कभी भी देखा नहीं कि इस मुंद्रा में शिवसेना के नगर सेवक नहीं है तो इस मुंद्रा में हम निधि नहीं देंगे, लेकिन ऐसा न करते हुए जितना थाने में कलवा में निधि देने का काम शिवसेना के माध्यम से यहाँ पर हुआ है, आप सभी लोगों ने उसको सहयोग किया और उस चुनाव में भारी वोटों से विजयी बनाया। पिछले चुनाव में हम प्रचार करते समय एकनाथ शिंदे के पुत्र, एकनाथ शिंदे के बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे खड़े हैं, वो डॉक्टर है, उसको विजयी बनाओ। लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने खुद की पहचान बनाई है काम के जरिए, विकास के जरिए, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या काम किए इसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 543 जो सांसद है, स्टेडियम बन गया है, पानी की टंकियां बन गई है, 220 करोड़ की यहाँ पर नई स्कीम है, उसे भी हम लोग बनाना चाहते हैं। ये सब जो करते हैं, यहाँ बड़ी इंटरनेशनल लेवल की चौपाटी बनाई है, कौन बनाया है? कॉरपोरेशन ने बनाया है। कॉरपोरेशन ने करोड़ों रुपए यहाँ पर, हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर देने का काम किया है। कौन है कॉरपोरेशन में, किसकी सत्ता है? शिवसेना की सत्ता है। हर एक जो रिजोल्यूशन होता है, हर एक काम को सैंक्शन दिया जाता है, उसमें मेयर की सिग्नेचर होती है। कौन है मेयर, किसका है मेयर? तो अभी श्रीकांत ने कहा था कि यहाँ पर काम हम लोग करते हैं, बोर्ड कोई और लगाता है।
ये पिछले कई सालों से हो रहा है। ये लोग भी अभी जानने गए, जानने लग गए हैं। नगर सेवक लोग काम करते हैं उसका भी क्रेडिट, खुद के पार्टी के नगर सेवक वो भी परेशान हो गए, वो भी बोलते हैं काम हम करते हैं, बोर्ड कोई और लगाता है। ये कितना दिन चलेगा? इसे अभी रोकना है। हम जो काम करेगा उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, जो काम करेगा उसका ओपनिंग वही करेगा। और इसलिए आपको मैं बताऊंगा, शिवसेना कभी भी श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए कभी आगे आती नहीं। ये हमारे दिगे साहब ने हमें सिखाया नहीं है, लेकिन काम करना है, मुमरा कौसा को बदलना है, इसमें परिवर्तन लाना है, विकास की ओर ले जाना है, ताकि थाने शहर जैसा विकास इस मुमरा कौसा का भी और करने के लिए हम लोग कोशिश में है। हम लोग कोई भी यहाँ पर वोटों की राजनीति के लिए, वोटों के लालच में हिंदू मुसलमानों में कोई भी दंगा भड़काना नहीं चाहते, हमें वो नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर शांति और अमन बनाना है। हमें वोट नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन हम मुमरा और कौसा का विकास करके रहेंगे या बदलाव लाकर रहेंगे। पिछले 25 सालों से इस शिवसेना की हुकूमत, शिवसेना बीजेपी की हुकूमत इस थाने कॉरपोरेशन में है। आप बताओ, कभी भी हम लोगों ने इस मुमरा कौसा के विकास के लिए पैसे देने से रुका है? एक भी बात बताओ। ये जो हाईवे है, ये हाईवे हमारा नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे है। लेकिन मैं जब कॉरपोरेटर था, लीडर ऑफ हाउस था, सभागृह नेता था, सदन का लीडर था, तभी यहाँ पर खड्डे गिरे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, लोगों को नुकसान हो रहा था, तभी मैंने कहा था कि ये रोड किसका भी हो, हमारे लोगों को तकलीफ है, तो इस रोड को हम कंक्रीट बनाएंगे। उस वक्त 70 करोड़ रुपए खर्चा इस पर म्युनिसिपैलिटी ने किए थे। ये म्युनिसिपैलिटी का रोड नहीं होने के बावजूद कहाँ पर हम लोग भेदभाव करते, कहाँ हम लोग यहाँ पैसे देने से रोकते, कैसे मना करते हैं? आपको मैं बताऊंगा, जो महासभा में जो एजेंडा फाइनल होता है, उसमें जो विषय होते हैं, वो एजेंडा फाइनल करने का काम मैं खुद करता हूँ। लेकिन कभी भी मुमरा कौसा के लिए एक भी विषय को रोकने का काम हम लोगों ने नहीं किया है, भले वोट मिले ना मिले। 30 तारीख को फैसला करना है कि हमें किसको मतदान ज्यादा करना है, किसको वोट ज्यादा करना है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।